Hi everyone, in this video we are going to discuss about NCERT questions of class 11th chapter 2 structure of atom. So next question is question number 11. A 25 volt bulb emit monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer, calculate rate of emission of quanta per seconds. तो अपने को एक बल्ब दिया हुआ है, ये इस वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है 0.57 माइक्रोमीटर, और आपको एक पावर दिया हुआ है दैट इज 25 वोल्ट, ये चीज दी हुई है, और आपको रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड निकालना है. तो आप पहले क्या करो, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लो. एनर्जी ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है. एच यहाँ पर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, तो इसकी वैल्यू 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड. और यहाँ से आप सी की वैल्यू भी पुट कर दो, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय वेवलेंथ माइक्रोमीटर में दिया हुआ है. माइक्रोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर. अब यहाँ से क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, और आंसर हो जाएगा इसका 34.87 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 20 जूल. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा. तो ये हमने इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कैलकुलेट कर ली, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड निकालना है. तो देखो, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा आप कैसे निकालोगे, पर सेकंड में अपने को कैलकुलेट करना है. तो ये आप करोगे पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी. पावर डिवाइड बाय एनर्जी ये कैसे किया, क्योंकि पावर वोट होती है, और वोट में पावर की यूनिट है वोट में, और वोट जो है ये एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो वोट को आप जूल पर सेकंड में लिख सकते हैं. तो मतलब ये जो यूनिट है ये जूल पर सेकंड में है, और ये एनर्जी की यूनिट है जूल में, तो जूल से जूल कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा ये पर सेकंड, इसलिए अपना रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड आएगा. इस वजह से ही हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 7.169 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 19 पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम. अब देखिए, अपने पास मेटल का सरफेस है और यहाँ पर अपन ने लाइट डाली है किस वेवलेंथ की, 6800 एंगस्ट्रॉम की. तो ये लाइट जो है ये मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है, सिर्फ निकालने का काम कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि इसने कह दिया कि जीरो वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है. तो यहाँ पर वेवलेंथ अपने को इस लाइट की दिया हुआ है 6800 एंगस्ट्रॉम. ठीक, अब आपको क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन निकालना है. तो आप देखो, यहाँ ये जो भी लाइट आई है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने का काम कर रही है. एच न्यू अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक इक्वेशन का पता है, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है. अब जो इलेक्ट्रॉन ये रेडिएशन आई है इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ाने का कोई काम नहीं कर रही है, तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से जो भी रेडिएशन आ रहे हैं ये थ्रेशोल्ड रेडिएशन के बराबर ही होंगे, मतलब एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट ही होगा. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो लैम्डा गिवन है अपने को, तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लैम्डा ही होता है, तो सी अपने पास हो जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय वेवलेंथ 6800 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 10 मीटर. एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ से मीटर कैंसिल, फ्रीक्वेंसी अपने पास आएगी पर सेकंड में. इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.41 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 पर सेकंड, या तो फिर इसको हर्ट्ज भी बोल सकते हो, पर सेकंड या हर्ट्ज एक ही बात है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी हमने निकाली ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आएगी, ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड है ना, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी, क्योंकि वेलोसिटी वाला फैक्टर तो जीरो है. अब यहीं से ही जो भी एनर्जी निकालोगे वो वर्क फंक्शन के बराबर आएगा. यहाँ पर ये एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट है, तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, तो न्यू जो भी आया है ये न्यू नॉट के बराबर भी होगा. तो आप बोल सकते हो एच की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 6.626 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल सेकंड, और न्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4.41 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 14 पर सेकंड. अब सेकंड से पर सेकंड कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो एनर्जी आती है ये 2.92 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 19
जूल, ये अपने पास आ गई एनर्जी, या तो फिर इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल सकते हो या वर्क फंक्शन भी कह सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल एन इक्वल टू 4 टू एन एनर्जी लेवल विद एन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फोर्थ स्टेट में, इस स्टेट में है एन इक्वल टू 4 में, और आपको एन इक्वल टू 2 में उसको लेके आना है। तो यहाँ पर हायर लेवल से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में जाता है तो एनर्जी को निकालता है। अब ये जो इसने एनर्जी निकाली ना, एनर्जी जो निकाली है उसे निकलती हुई एनर्जी की अपने को वेवलेंथ बतानी कौन सी है। तो देखते हैं, पहले तो आप क्या करो, E4 निकाल लो। E4 मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ स्टेट में है तो उस फोर्थ स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अपने को पता है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला दिया है उसने एनर्जी का, 2 - 2.18 × 10⁻¹⁸ जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय एन का स्क्वायर। तो यहाँ -2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और हाइड्रोजन एटम दिया हुआ तो उसके लिए तो 1 ही होगा, और एन यहाँ पर स्टेट है, स्टेट यहाँ फिर हमने फोर्थ वाली ले रखी है तो एन का स्क्वायर मतलब दिस डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा -0.13625 × 10⁻¹⁸ जूल। ये जो होता है अपने पास जूल में होता है। अब ई इस वाले स्टेट की भी हम एनर्जी निकाल लेते हैं, सेकेंड स्टेट की भी। तो -2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। अब यहां से हो जाएगा ये दिस मल्टीप्लाई जेड तो 1 है, डिवाइड बाय एन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -0.545 × 10⁻¹⁸ जूल। इसका मतलब क्या कि अपन ने फोर्थ स्टेट की भी एनर्जी निकाल ली, सेकंड स्टेट की भी एनर्जी निकाल ली। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड में जाएगा तो कितनी एनर्जी निकालेगा, इन दोनों के गैप के बीच की एनर्जी निकालेगा। तो इन दोनों में गैप कितना हो जाएगा वो हम डेल्टा ई करके निकालेंगे, दैट इज E4 - E2 करके निकाल लेंगे, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालेंगे हम, तो 2 - 4 करके निकालेंगे, दिस इज 2 - E4। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे दिस माइनस दिस, ये आप जब भी करोगे तो ये आ जाएगा 0.408 × 10⁻¹⁸ जूल, 0.408 × 10⁻¹⁸ जूल। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये एनर्जी निकाल ली। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, एनर्जी है तो यहाँ से हम वेवलेंथ, ये जो एनर्जी आएगी ये माइनस साइन के साथ आएगी, और माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे अब डेल्टा ई की वैल्यू निकाल ली हमने, लाइट की वेवलेंथ गिवन थी, लाइट की एनर्जी निकाल ली जब भी इलेक्ट्रॉन फोर्थ स्टेट से सेकंड स्टेट में गया। अब अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है। तो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा करके लिख सकते हो, तो यहाँ से जो लेमडा आएगा वेवलेंथ एच सी बाई डेल्टा ई। अब एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे फिर से, दैट इज दिस जूल सेकेंड मल्टीप्लाई 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड बाय डेल्टा ई हमने अभी निकाला है 4.0875 × 10⁻¹⁹, ये जूल आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, पर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। इसको आप जब भी लेमडा वेवलेंथ को सॉल्व करोगे ये आएगा 486.31 × 10⁻¹⁹ मीटर, या तो फिर आप वेवलेंथ को बोल सकते हो कि ये आया है 486 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज एन इक्वल टू 5 ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, इस एन इक्वल टू 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इस इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने को आयनाइज करना है। आयनाइज करना है मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर लेके जाना है। अब बाहर लेके जाना तो बहुत दूर तक लेके जाना है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये मानना है कि ये इलेक्ट्रॉन अपन इन्फिनिटी तक लेकर गए हैं। इन्फिनिटी तक लेके जाना मतलब कि इलेक्ट्रॉन एटम से बहुत दूर हो गया, अब ये आयनाइज हो चुका है, निकल चुका है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है।
इसलिए ऐसे केस में आप क्या लोगे, एन वन जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है ऑलरेडी वो एन वन फाइव लेंगे। नेक्स्ट अपने को इलेक्ट्रॉन को लेके कहाँ जाना है, बहुत दूर लेके जाना है तभी जाके इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा, मतलब एन टू को आप ले लोगे इन्फिनिटी। अब एन टू को इन्फिनिटी ले लिया, अब यहाँ से फिर से कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ तक लेके जाने में, फिर आप वही करोगे जो हमने अभी किया है, डेल्टा ई इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस का ई फाइव, मतलब फिफ्थ ऑर्बिटल के लिए एनर्जी निकाल लो, इन्फिनिटी के लिए एनर्जी निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इन्फिनिटी के लिए लेंगे तो जूल में तो हम ये पढ़ते हैं ना माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, जेड का स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 ही होती है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय एन, यहाँ पर तो एन इन्फिनिटी लिए फिर दिस। अब ये और माइनस ई फाइव वाली टर्म कौन सी हो जाएगी फिर, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप निकाल लो डेल्टा ई, इसको जैसे ही आप सारा का सारा सॉल्व करोगे ये आएगा 0.0872 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल, राइट। तो ये आ गई अपने पास, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो ये हमने निकाली। कंपेयर योर आंसर विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी से इसको कैसे कंपेयर करें हम, आयनाइजेशन एंथैल्पी अब इसने खुद ही बोल दिया एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इक्वल टू वन ऑर्बिट। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, आप अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास एन इक्वल टू वन ऑर्बिट में प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास एन इक्वल टू वन में प्रेजेंट है और फिर से उसको हमने आयनाइज करना है, आयनाइज करना है तो फिर से एन टू को आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा। अब इस केस के लिए डेल्टा ई निकाल दो, इस केस के लिए डेल्टा ई निकालोगे तो ई डेल्टा ई इक्वल टू ई इन्फिनिटी माइनस ई वन हो जाएगा। अब यहाँ से वही का वही फॉर्मूला लगा दो, दिस वन का स्क्वायर डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी वैल्यू इज जीरो, माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18, वन का स्क्वायर डिवाइड बाय वन का स्क्वायर ही रहेगा यहाँ तो फिर, क्योंकि स्टेट फर्स्ट ही है। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल। अब एक है मेरे पास ये वाली एनर्जी, एक है ये वाली एनर्जी, वो कंपेयर करने के लिए बोल रहे, तो आप कंपेयर करने के लिए देख रहे हो कि ये जो फिफ्थ ऑर्बिटल से हमने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज किया है तो ये एनर्जी कम है, बजाय कि फर्स्ट ऑर्बिटल से जो आयनाइज किया है तो ये एनर्जी ज़्यादा आई है। तो ये है दोनों में कंपेरिजन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन एन इक्वल टू सिक्स ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में एन इक्वल टू सिक्स में इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो कितने नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस हो सकते हैं। तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। तो एन इक्वल टू अपने को सिक्स दे रखा है ना, सिक्स से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, तो यहाँ आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो एन इक्वल टू सिक्स। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 15 लाइंस आएंगी, 15 लाइंस आएंगी। और यहाँ भी हम देख सकते हैं सिक्स से अगर ये इलेक्ट्रॉन फाइव में जाता है तो एक लाइन, सिक्स से इलेक्ट्रॉन फोर में जाता है तो फिर एक, और फिर फाइव में भी काउंट करेंगे तो फिर ये दो लाइन ये हो गई। सिक्स टू थ्री में देखते हैं तो तीन लाइन आती है, सिक्स टू टू में देखते हैं तो फोर लाइन्स आती हैं, और यहाँ से सिक्स टू वन में देखते हैं तो फाइव लाइन्स आती हैं। तो आप वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव को आप ऐड करोगे तो ये आएगा 15 लाइन्स। तो यहाँ ये है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस, दिस जूल पर एटम। व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये अपने को बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग पता है, ई फाइव आप निकालो, वन की एनर्जी दी हुई है और आपको फाइव वाली ऑर्बिटल की निकालनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल पर एटम, दिस डिवाइड बाय जेड का स्क्वायर, तो जेड अपने पास हाइड्रोजन एटम के लिए वन ही हो जाएगा, डिवाइड बाय एन का स्क्वायर होता है, तो यहाँ एन अपने को फिफ्थ फाइव दिया हुआ है, तो फाइव का स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 25, तो दिस डिवाइड बाय आप 25 करोगे तो ये आंसर आएगा माइनस 0.0872 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 18 जूल, राइट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 8.72 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 20 जूल, इस तरीके से आ जाए। नेक्स्ट कहता है रेडियस भी निकालनी है, अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है ना
इस फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस हमने स्टेट की एनर्जी निकाल दी, अब इसकी रेडियस भी निकाल, रेडियस न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल तक है इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है 0.0529, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर एन का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड होता है, ये ध्यान में रखना है, एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड होता है। तो यहाँ से आर 5 निकालना चाहेंगे तो 0.0529 मल्टीप्लाई एन 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होएगा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के केस में, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 1.3225 नैनोमीटर। ये याद रखना गाइज, ये नैनोमीटर में होती है वैल्यू 0.0529 नैनोमीटर। तो यहाँ ये जो 0.0529 नैनोमीटर ले रखे है ये ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस ये लेते हैं हम, और किसी और स्टेट के लिए n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 के लिए निकालनी है तो हम लेते हैं n स्क्वायर डिवाइड बाय z करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो गाइज जब हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा पढ़ा था वहाँ पर अपने को 5 सीरीज ऑफ लाइंस मिली थी, एक थी लाइमन, एक बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, फंट। तो यहाँ पर लाइमन सीरीज जो मिलती है वहाँ पर ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 से होता है, बाल्मर सीरीज तो 2 से होता है, पास्कन में 3 से, यहाँ पर ब्रैकेट में 4 से, यहाँ पर इसमें 5 से, इस तरीके से ये सीरीज में ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ अपने को बाल्मर सीरीज दिया हुआ है, बाल्मर सीरीज दिया हुआ है मतलब ट्रांजिशन जो हो रहा है वो सेकेंड वाले से हो रहा है, सेकेंड एन आई की वैल्यू आपको 2 लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अपने को देखना है कि एन एफ की वैल्यू फाइनल स्टेट मतलब ट्रांजिशन यहाँ से कहाँ तक होगा, तो एन एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब गाइस आप देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने के लिए जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो कम होना चाहिए क्योंकि एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो यहाँ अगर वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए तो अपने को ये जो एनर्जी गैप है ये कम होना चाहिए, वेवलेंथ ज़्यादा चाहने के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने के लिए एनर्जी गैप कम होना चाहिए। तो एनर्जी गैप कम कैसे होगा, मान लो कि अगर ये पहले इलेक्ट्रॉन इस सेकेंड वाले स्टेट में प्रेजेंट है तो ये नेक्स्ट वाले स्टेट में ही चला जाए, इससे मिनिमम वैल्यू तो कुछ नहीं हो सकती, तो यहाँ एनर्जी गैप कम रहेगा और फिर वेवलेंथ अपने को ज़्यादा मिल जाएगी। अगर यहीं पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दिया होता तो आप एनर्जी गैप को बहुत ज़्यादा लेते, तब आपको यहाँ पर इन्फिनिटी लेना होता, 3 की जगह इन्फिनिटी लेना होता अगर ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दी होती। तो यहाँ अपने को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी गैप कम लेना है, एनर्जी गैप कम के लिए इससे नेक्स्ट पॉसिबल एन की वैल्यू ले लेनी है जो कि लोएस्ट है, तो यहाँ एन एफ की वैल्यू आप 3 ले सकते हैं, राइट। तो 3 ले लिया। अब वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर के लिए एक फॉर्मूला है अपने पास 1.097 × 10⁻⁷ पर मीटर 1/ni का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। यहाँ पर ये रिडबर्ग कॉन्स्टेंट होता है, ये पर मीटर में इसकी वैल्यू होती है, तो इसकी सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और ये आ जाएगा फिर 1/4 − 1/9। इसको जैसे ही आप सारा का सारा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5236 × 10⁶ पर मीटर। तो यहाँ अपने को ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस अपने को एनएफ की वैल्यू लोवेस्ट लेनी है, बहुत ही पास की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स, एनर्जी आपको निकालनी है जूल में रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट से फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी अपने को चाहिए वो भी जूल में चाहिए। तो फर्स्ट मतलब कि ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है तो ग्राउंड स्टेट में अपने को एनर्जी दी हुई है अर्क्स में, ये दी हुई है अर्क्स में मतलब कि −2.18 × 10⁻¹⁰ अर्क दिया हुआ, ये फर्स्ट स्टेट की एनर्जी दी हुई है। लेकिन वो कहते हैं कि एनर्जी आपको जूल में निकालनी है तो आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 जूल जो होता है दिस इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्क। तो यहाँ से अर्क कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ का 7 जूल हो जाएगा, तो आप क्या करो इसको 10⁻⁷ का 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आएगा जूल में। तो E1 की जो वैल्यू होगी −2.18 × 10⁻⁸ जूल, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी आई है। अब अपने को क्या चाहिए, वैसे जनरल एक्सप्रेशन भी अपने को पता है −2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ये जनरल एक्सप्रेशन भी होता है, जूल पर एटम में ही होता है, ये हमने एनर्जी निकाल ली जूल में। अब वन की निकाल ली तो आपको फिफ्थ की भी निकाल लो यहीं से,
माइनस 2.18 इंटू 10 to the power -18, तो जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25। तो फिर अब आप क्या करो, डेल्टा ई निकालनी है ना अपने को, तो कि यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है तो अपने को डेल्टा ई निकालना है। तो आपको क्या करना है, ई फाइव माइनस ई वन कर, तो ई फाइव माइनस ई वन कर दो, तो इसका सारा का सारा सोल्व जैसे ही करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.09 मल्टीप्लाई 10 to the power -18 जूल। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी 2.09 इंटू 10 to the power -18 जूल। अब कहते हैं इसी ये जो लाइट एमिट हुई है, देखो इलेक्ट्रॉन अपने पास फिफ्थ ऑर्बिट में है, फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जैसे ही फर्स्ट वाले में आएगा तो हाँ एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रहा है तो मतलब एन लाइट निकलेगी, तो वो लाइट निकलेगी तो कितनी एनर्जी की निकलेगी, हमने ये गैप के बराबर की एनर्जी निकाल ली डेल्टा ई, तो इतने की एनर्जी निकल रही है, इतनी एनर्जी की लाइट निकल रही है। अब अपने को वेवलेंथ निकालनी है तो डेल्टा ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, तो यहीं से हम डेल्टा लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी करस्पॉन्डिंग। तो वेवलेंथ जो हो जाएगा दिस इज एच सी बाई डेल्टा ई। अब एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई डेल्टा ई हमने अभी निकाला है, दैट इज 2.09 मल्टीप्लाई 10 to the power -18 जूल। अब जूल से जूल सेकेंड सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हुआ, वेवलेंथ अपनी आ जाएगी मीटर में, तो ये आती है 9.50 × 10 to the power -8 मीटर। इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो इस तरीके से, मल्टीप्लाई 10 to the power -10 मीटर करके लिख सकते हो, और यहाँ से फिर ये आ जाएगा 950 एंगस्ट्रॉम। तो 950 एंगस्ट्रॉम की अपने को वेवलेंथ देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना कम्प्लीटली मतलब इसको आयनाइज करना है, कौन से ऑर्बिट से, सेकेंड ऑर्बिट से। अब सेकेंड ऑर्बिट से मतलब कि एन वन अपने पास टू है और इसको आयनाइज करना है, आयनाइज करने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम के बिल्कुल बाहर लेके जाना है, तो आप इसको लेके जाओगे एन टू को इन्फिनिटी लेके जाओगे, ये भाई आयनाइजेशन एनर्जी की ही डेफिनेशन हो गई ना। तो इसको एन टू को इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है एटम से, तो एन टू को अपने को इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, तो भाई डेल्टा ई आप निकाल सकते हो इस केस में भी, तो ई इन्फिनिटी माइनस ई वन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2.18 × 10 to the power -18 वन का जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई एन का स्क्वायर, इन्फिनिटी है यहाँ पे एन, दिस माइनस माइनस 2.18 × 10 to the power -18 जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ये जेड का स्क्वायर जेड एटॉमिक नंबर है, डिवाइड बाय वन का स्क्वायर, वन स्टेट कौन सी है, फर्स्ट स्टेट है। इसको जैसे ही हम सारा का सारा सॉल्व करोगे तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी 5.45 × 10 to the power -19 जूल। इसको सारा सॉल्व करने पर डेल्टा ई की ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकालनी है इस एनर्जी की करस्पॉन्डिंग। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला फिर अपने को पता है, एच सी डिवाइड बाई डेल्टा ई, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होती है ये 6.626 × 10 to the power -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई डेल्टा ई 5.45 × 10 to the power -19 जूल से जूल कैंसिल, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल, ये मीटर में वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी 3647 × 10 to the power -10 मीटर, या फिर इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, दैट इज 3647 एंगस्ट्रॉम, ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 2.05, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है दैट इज 2.05 × 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी गिवन है अपने को। अब यहाँ से वेवलेंथ निकालनी है, इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपने को डी ब्रॉगली वेवलेंथ से पता है, इसकी इक्वेशन से पता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन से ये पता है। तो यहाँ से वेवलेंथ ही निकालनी है और एच वही प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये आप लिख सकते हो 6.626 × 10 to the power -34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय मास अपने पास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10 to the power -31 kg,
और ये वैल्यू जूल में ही है तो इसको हम केजी में ही रहने देंगे एम, और वेलोसिटी अपने को दिया हुआ है 2.05 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर जूल, केजी और मीटर तो किसी यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 3.548 × 10⁻¹ⁱ मीटर। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास इतना दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी इतनी गिवन है और आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ अपने को पता है उसी फॉर्मूले से, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, डी ब्रॉगली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो यहाँ अपने को एच की वैल्यू तो पता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, लेकिन वेलोसिटी नहीं पता। तो वेलोसिटी की जगह काइनेटिक एनर्जी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से वी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हो आप, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3 × 10⁻²⁵ जूल, राइट। काइनेटिक एनर्जी यही है, इसको हमने इक्वल कर दिया। अब वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2 × काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से 2 × 3 × 10⁻²⁵ जूल डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁹ केजी होता। तो इसको आप सोल्व कर लो, यहाँ से ये आ जाएगी वैल्यू वेलोसिटी की 811.579 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ये वेलोसिटी निकाल ली। अब आप वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई नहीं, फिर इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁹ केजी मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज 811.579 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से वेव लेंथ आपकी आएगी 8.9625 × 10⁻⁷ मीटर, ये वेव लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो गाइज, सोडियम एटम, सोडियम एटम के लिए ये जो एटम है इसके लिए एटॉमिक नंबर होता है 11, एटॉमिक नंबर 11 मतलब ये न्यूट्रल एटम है, एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे न्यूट्रल एटम के केस, न्यूट्रल एटम के केस। लेकिन अब यहाँ पर आयन दिया हुआ है, एन ए प्लस दिया हुआ, तो आयन ए कैसे बना होगा, जब न्यूट्रल एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा तभी जाके प्लस आया होगा। तो न्यूट्रल में अगर 11 इलेक्ट्रॉन थे तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही अपने पास है के पॉजिटिव, के पॉजिटिव मतलब पोटेशियम, पोटेशियम अगर न्यूट्रल है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है अपने पास 19। अब एटॉमिक नंबर 19 मतलब न्यूट्रल एटम के लिए इलेक्ट्रॉन भी कितने 19 होते हैं। अब इसमें के प्लस 4 होगा तो 19 में से एक माइनस करना पड़ेगा तभी जाके प्लस आए। नेक्स्ट Mg2+ मतलब मैग्नीशियम के लिए 12 एटॉमिक नंबर होता है, इसमें से फिर से 2 माइनस करना पड़ेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। Ca2+ कैल्शियम के लिए 20 एटॉमिक नंबर होता है, 20 में से 2 माइनस करना पड़ेगा तभी 2 प्लस आएगा तो इसके लिए हो जाएगा 18। नेक्स्ट है Sulfur-2-, सल्फर के लिए एटॉमिक नंबर 16 होता है तो 2 माइनस कैसे आए, इलेक्ट्रॉन ज़रूर ऐड हुए होंगे। न्यूट्रल एटम के लिए 16 होता है तो 2 ज़रूर ऐड हुआ होगा तभी जाके ये 2 माइनस आएगा और ये हो जाएगा 18। अब ये ऑर्गन है, ऑर्गन तो न्यूट्रल ही है तो इसके लिए तो 18 होता ही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कौन सी स्पीशी ऐसी है जिसमें कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक तो सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2+ इन दोनों में सेम है। नेक्स्ट 18 18 18 18 इन चारों में भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये चारों भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स।